हम कहाँ से दे किराया, कहाँ से दे बिजली के बिल, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाए, थके हैं, मर जाएंगे वो किसी करेंगे, कहाँ से दे बच्चों को फीस, बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब कहे के घर पे नहीं जाते, आपको क्या दिया इन्होंने ये डंडे छोटे मारो साथियों को, क्यों बच्चा आप एक काम करो थोक के कवरेज किया करो, किसी से नहीं डरना, जो रात कब्र में है वो बाहर कभी भी नहीं हो सकती, ये मेरी बात याद रखना, मरना तो है कि हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और ये इस टाइम के मनाजर है रावलपिंडी के, पुलिस की काफ़ी सारी नफरी जो है वो पहुंची हुई है, यहाँ पे इत्तलात आ रही है कि पुलिस वाले ने एक साहब को जो डंडा मारा है और इस टाइम जो है ये पुलिस है और ये वैसे मामूल के मुताबिक नॉर्मल हालात चल रहे हैं, लेकिन आते हैं कारकुनान अभी हमने देखे हैं 20-25-30 जो है वो यहाँ से निकले हैं, फिर पुलिस ने जो है ना वो उनके ऊपर अटैक किया है और फिर उसको उनको भगा दिया यहाँ से, तो ये अभी जो है ना यहाँ पे ये मनाजर है, इस टाइम हम आप लोगों के साथ ये शेयर करें, ये मनाजर यहाँ से कमेटी चौक से हैं, इस टाइम पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो है वो एक साहबी को जो है वो मारा है डंडा उसने, उन्होंने अभी उससे बात करें, खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ से वो साहबी जो है उसका मोबाइल तोड़ा गया है और उसको बाजू के ऊपर डंडा मारा गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो है ना इस टाइम हम अभी गलियों से अंदर से बाहर आए हैं तो हमने देखा है कि पुलिस जैसे ही मतलब कारकुनान निकलते हैं तो पुलिस आती है और फिर उसको जो है वो डंडा मारती है और वो पुलिस उनको जो है ना वो वहाँ से गिरफ्तार करती है और वो भाग जाते हैं, तो ये अभी गलियों की जो है सूरत हाल है। कवरेज के दौरान उन्होंने मारा है कि क्यों कारकुनान की गिरफ्तारी की मोबाइल छीन लिया, उन्हें नहीं उनको पता कार्ड लगा लेकिन मोबाइल छीन दिया मारा है। अच्छा हाँ मोबाइल वापस दे दिया, दे दिया मोबाइल वापस दे दिया, मारा है मोबाइल छीना है और फिर उसका मोबाइल जो है उन्होंने वापस दे दिया, ये इस टाइम के सूरत हाल है रावलपिंडी के अंदर हम मौजूद है, कमेटी चौक की ये सूरत हाल इस टाइम हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पुलिस का यहाँ पे ट्रैफिक के ऊपर से कदम ये शर्मनाक है, हम इस आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में जो आइन बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आम आवाम के हकूक जो हैं उनको उनकी पामाल न किया जाए उन हकूक को, हम यहाँ पे लोग जिस तरह से ये हैं हम यही चाहते हैं कि आज़ादी वो आज़ादी की 1947 में हमें पाकिस्तान आज़ाद मिला, आज हमारे हकूक का भी तहफ़ हो, तो हम इसीलिए हम निकले हुए, आम आवाम निकले बाहर, जब तक आम आवाम बाहर नहीं निकलेगी तब तक ही हमें हकूक नहीं मिल सकते और इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और डट के इस मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी के लिए, आम आवाम को भी ये मैं कहूँगा कि आप सब लोग बाहर निकलें, जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमें हकूक हमारे साथ ऐसे ही होते रहेंगे, मंडेर चोर ऐसे ही आते रहेंगे और ये दहशतगर्दी के जरिए ये पुलिस गुंडागर्दी के जरिए ऐसे ही हमारे ऊपर दावा बोलते रहेंगे, आप निकलें बाहर डर को अपने छोड़ दें और इंशाल्लाह हकीकी मानों में हम ये आज़ाद होंगे, ये जितने भी गुंडे बने हुए हैं कल को इनका जो मुकद्दर है ये जेलों में होगा और ये मुल्क से भागेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये मनाजर इसके हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी पुलिस वालों के साथ वो बात कर रहे हैं कि वो एक साहब को डंडा मार दिया, आप सब लोगों को मारे, आप कम से कम सभी को तो मारे, आपको कार्ड दिखा रहे हैं उसके बावजूद भी आप लोगों को मारे, ये है वो साकिब साहब इसने अभी ये पट्टी उतार दी है, काम उतार दिया है, अब इसको इसके सफर के उसके सर पे कर रहे हैं, ये कोई तरीका कह रहे हैं आप, हम आपको यहाँ रोज खबर के लिए आ रहे हैं, ये नहीं हम आपको अपने कार्ड दिखा रहे हैं उसके बावजूद आप मारे, साथ जो है वो इनको मारा गया और फिर उसके साथ जो है वो बदमाशी भी की जा रही है, तो ये मीडिया वाले बोल रहे थे आपके सामने ये सूरत हाल है, इस टाइम ये कमेटी चौक की सूरत हाल है, हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ लोग अभी जो है वो नहीं पहुँचे लेकिन एक साहबी के ऊपर जो है अटैक किया गया, पुलिस ने डंडा मारा और मोबाइल भी छीन लिया था और फिर उसको जो है वो मोबाइल वापस किया है, लेकिन साथ में जो है वो एक तरह से वो जो है वो बदमाशी वाली सूरत हाल बनी हुई, तो ये इस टाइम जो है वो कमेटी चौक की सूरत हाल है, हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये इस टाइम जो है वो लोगों को जो है वो यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा, हमने देखा है अभी कारकुनान जो है वो गलियों में होते हैं और उनको वहाँ से पुलिस जो है वो जब पहुँचती है तो वहाँ से भगा देती है, तो ये इस टाइम की सूरत हाल है आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, और ये जो है ये इस टाइम पिंडी में हम मौजूद हैं, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, अभी तक तो कारकुनान नहीं आए लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ और
पुलिस जो है वो इनके ऊपर तशद पुलिस कर रही है, अभी आते ही जो है उन्होंने अटैक कर दिया उसके ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर अटैक कर दिया। ये सारे सहाफ़ी भाई हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, और ये जो है वो यहाँ पे उन्होंने अभी मजम्मत जो है वो उन्होंने कहा करें तो आगे से वो जो है वो पुलिस वाले थोड़ा दिखा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। उन्होंने कहा हम आप लोगों को हर रोज़ यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों के साथ होते हैं, फिर भी आप लोग जो है हमारे साथ जो है ये वाला सलूक रखते हैं। तो ये इस टाइम रावलपिंडी में हम मौजूद हैं और ये आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं रावलपिंडी के यहाँ पे। अभी देखते हैं क्या बनता है, अभी तक कारकुनान तो नहीं पहुँच सके, लेकिन ये है कि मीडिया के लोग पहुँचे हुए हैं, साहब पहुँचे हुए हैं, उसके अलावा जो है वो ये आमदोरफ़ जो है वो वैसे ये जो है वो इस तरह ही जारी है। तो ये आप लोगों के सामने हम लोग दिखा रहे हैं रावलपिंडी की सूरत हाल है। अभी लोग जो है कारकुनान निकलते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है, क्या सूरत हाल बनती है, आप लोगों के साथ जो है वो एक एक लम्हा शेयर करेंगे। अभी ये इस टाइम की सूरत हाल है, जैसे उन्हें पुलिस वो साहब ने निकाला, जब इस्लामाबाद पुलिस ना उसने मुझे मारा था, ठीक है, मेरा कोई तलबा नहीं, कोई सियासी कोई नहीं, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो आप करते हो ना थोड़ा सा ना सा रखो, बर्दाश्त करो, बच्चों का क्लीन क्यों ख़राब करते हो। एक कॉल देता है अली अमीनपुर गंडा, आप स्कूल बंद कर देते हो, आपके बच्चे तो जाते हैं ना, हमारे बच्चे नहीं जाते स्कूल में, प्राइवेट भी स्कूल बंद किए हैं, हम फीसें देते हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ से दें, किराए का घर है, मरियम साहब तो बैठी हैं ऑर्डर करने, अलीपुर गंडा ने ऑर्डर करना है, हमारे केपीके से वो कह रही रोड ब्लॉक करो, कंटेनर के भाग गए, उनके घर वाले नहीं खाने वाले, किराया नहीं देने वाले, हम कहाँ से दें किराया, कहाँ से दें बिजली के बिल, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाए, थके हैं मर जाएंगे, वो खुशी करेंगे, कहाँ से दें बच्चों को फीसें, बच्चे स्कूल नहीं जाते। अच्छा, ये आप नहीं जानते जो है ये रोना शुरू कर दिया इस बंदे ने, कहते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं, कंटेनर लगा देते हैं और फिर लोगों को जो है वो मारना शुरू कर देते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, हर रोज दूसरे रोज जो है वो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों की ये आप लोगों के कहते हैं ना, कोई इमरान खान का नहीं निकला, मैं अकेला भी रोड बंद करता हूँ, पुलिस की सहाय मुझे रोक ले, किसी की सहाय नहीं है मेरे पास, नहीं वो थर्टी है, क्या करें, आपके बच्चे नहीं है, लोगों के बच्चे नहीं है, आप कहाँ से फीसें देते हो, आप ज़कात को नहीं मांगते, कोई बच्चा बीमार हो जाए बहन को फोन करो पैसे दे दो उधारे, भाई को फोन करो पैसे दे दो उधारे, कब तक देगा वो, एक दफा देगा, दो दफा देगा, तीन दफा देगा, चौधरी जगह बच्चा तो क्या करूँ, आप किसी की गाड़ी आप चार्ज करते हो, क्या करें, मर जाए, रोकते ना पुलिस मुझे, मैं मानता हूँ, आप कहते हो कोई नहीं, मैं अभी रोड बंद करके दिखाता हूँ, इतना मेरे में पावर है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मरियम है, नवाज शरीफ है, शुभाज शरीफ है, एक ही फैमिली है, गंडापुर ये सारे किधर है, मर गए हैं ये, क्या करते हो आप सभी लोगों, आपके खर्चे नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आप किराए के घर पे नहीं रहते, आपको क्या दिया इन्होंने, ये डंडे छोटे मारो साथियों को, क्यों बच्चा, आप एक काम करो, थोक के कवरेज किया करो, किसी से नहीं डरना, जो रात कब्र में है वो बाहर कभी भी नहीं हो सकती, ये मेरी बात याद रखना, मरना तो है एक ही दिन, अक्के ला इलाहा इल्लल्लाह उस मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये पढ़ के मरना हमने, आप अपनी मजदूरी के लिए जो भी करते हो ठीक करते हो, किसी से कभी नहीं डरना, जो जो कवरेज करते हो, जियो न्यूज है, कोई भी न्यूज है, हर कोई न्यूज को मैं वार्निंग कहता हूँ, इधर मलकौन का भी क्यों गुलाम हो, आप गुलाम क्यों बने हो, क्यों कवरेज नहीं करते, डर गए हो, आगे नहीं आगे क्यों नहीं आगे जाने, टैक्स नहीं देते,